हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक्स इन न्यूज़। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे रुचि सोया। तो रुचि सोया में एक अच्छी तेज़ी दिखी और 6.17% पॉजिटिव था ये स्टॉक। तो मार्केट की कंडीशंस भी आज अच्छी थी और ये स्टॉक में भी अच्छा मूव हमें नज़र आया है। तो अगर हम इसको इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक ने 900 के लेवल पे जो है एक सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दिखाया है। सो 900 ऑन द डाउन साइड अगेन इज़ अ वेरी गुड क्रूशियल सपोर्ट लेवल फॉर दिस स्टॉक। आज मार्केट में मोमेंटम अच्छा था, इस वजह से हमने देखा कि रुचि सोया में भी एक अच्छा मोमेंटम नज़र आया है। तो जिसका जो फर्स्ट टारगेट है, अगर हम जो रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो मैंने बताया था समवेयर अराउंड 1000 रहेगा अगर 900 के लेवल पे स्टॉक सपोर्ट लेता है, तो वो तो आज हिट हो गया। ऑन दी अपसाइड अगर मार्केट में मोमेंटम और पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहती है, देन अगला टारगेट ये स्टॉक का रहेगा समवेयर अराउंड 1100। एक अच्छी बड़ी रैली आने के लिए स्टॉक को 1200 के ऊपर निकलना होगा विद हाई वॉल्यूम्स, तब आपके स्टॉक में विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 1600 टू 1800 तक के टारगेट्स भी देख सकते हैं। तो रुचि सोया को डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए। अच्छे मोमेंटम के साथ अगर 1200 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो अच्छी मोमेंटम के साथ ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट अंडर प्रेशर रहता है या मार्केट में एक करेक्शन आता है, तब ये स्टॉक और 900 के सपोर्ट लेवल को अगर ये स्टॉक होल्ड नहीं कर पाता, तब आप शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अंदर डाउन साइड 800 तक के टारगेट्स भी आप ये स्टॉक में देख सकते हैं। सो डेफिनेटली रुचि सोया को आप अपने रडार पे और अपने फोकस पे रख सकते हैं। अगली कंपनी जिसके बारे में बात करेंगे वो है TV18। नाउ TV18 जो है इसमें एक ह्यूज फॉल, मार्केट तो अंडर प्रेशर था ही, लेकिन ये स्टॉक में एक ह्यूज फॉल नजर आ रहा है। 40 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल था और स्टॉक जो है आज ये स्टॉक ने 40 के बिलो ही क्लोजिंग दी है। सो फर्दर ऑन द डाउन साइड ये स्टॉक आपको 35 के लेवल्स दिखा सकता है, और अगर फर्दर सेलिंग प्रेशर मार्केट में कंटिन्यू रहता तो 30 तक के लेवल्स जो पहले प्रीवियसली ये स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल था, वो अब सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, विच इज समवेयर अराउंड 30। तो एक हैवी करेक्शन, एक हैवी सेल ऑफ हम TV18 में देख रहे हैं। आप इस कंपनी में, वैसे फंडामेंटली मुझे कंपनी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन छोड़, बिकॉज ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम जब अपसाइड में देता है तो एक अच्छे मोमेंटम के साथ भी ऊपर जाता है। थोड़ा रिस्की स्टॉक है, थोड़ा एसेट एलोकेशन मिनिमम क्वांटिटी के साथ ये लेवल्स पे समवेयर अराउंड 30 to 35 पे अगर ये स्टॉक सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली आप पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं इस कंपनी में। सो बस एक छोटी सी अपडेट थी रिलेटेड टू बोथ दीज कंपनीज। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट।